अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे माया, जो कि कितने एक सूट को कितनी माया लगती है और कैसे लगती है ये सब बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे माया, ठीक है। ये हमने एक सूट को दो चम्मच के हिसाब से माया लगानी होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने दो चम्मच के हिसाब से, मैं पाँच सूटों को लगा रही हूँ इसलिए इसमें 10 चम्मच ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 5-6 सूट के हिसाब से माया ऐड कर ली है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी गर्म होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था, ठीक है। ये देखें, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसको अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। इस तरह जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को लाजम प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखें, ये हमारा पानी है, इसको थोड़े थोड़े बबल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें माया ऐड कर देंगे, ठीक है। माया जो है बहुत ईजीली बन जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी किसी को लगता है कि बहुत मुश्किल है क्या नहीं, लेकिन ये बहुत इजीली बन जाती है। और कलर वाले कपड़ों के लिए आपको चाहिए कि आप ना सुहागा लें और इसकी छोटी सी चुटकी आपने कलर वाले कपड़ों में जब माया लगानी हो तो उसकी थोड़ी सी हल्की सी चुटकी लेनी है और इसको माया में ऐड कर लेनी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कलर वाले कपड़ों को माया लगानी है इसलिए आपको दिखाती हूँ कि कब वो सुहागा जो है उसमें ऐड करना है। ये पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाता है, ठीक है। आप किसी भी पंसार वाली दुकान पे जाएं और उनसे बोलें कि हमें सुहागा चाहिए, वो इजीली मिल जाता है, ठीक है। ये देखिए, हमने सारी माया इसमें ऐड कर दिया और इसको हलाना स्टार्ट कर दिया है। हमने हलाते इसलिए रहना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना बने। अगर लम्स बन जाते तो वो माया पर वाइट वाइट से निशान पड़ जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं, ऐसे जैसे बहुत ही ज़्यादा गंदा सूट है, ठीक है। इसलिए हमने इसको अच्छे से हलाते रहना है। ये देखें, अब यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके हमने इसमें एक चुटकी के बराबर सुहागा ऐड कर देना है। ये 5 सूट के हिसाब से है, ठीक है। ये सुहागा हमने ऐड कर दिया है। इससे वाइट वाइट जो ब्लैक कलर के कपड़ों में निशान पड़ जाते हैं वो बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी इसका लाइव प्रूफ कि बहुत ही प्यारे और चमकदार से कपड़े बन जाते हैं, कोई भी वाइट कलर का निशान नहीं रहता, ठीक है। ये देखें, हम यहाँ पे इसको अच्छे से हम पका लेंगे। ये देखें जी, माया का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो मतलब ये कि माया पकने वाली हो गई है। तो अब हमने इसको और मज़ीद हलाना है ताकि हमारी जो माया अच्छे से बन जाए, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल उसने अपना कलर चेंज कर लिया है और गाढ़ी होना शुरू हो गई है। हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये ज़्यादा और थिक हो जाए। कुछ होते हैं कि कपड़े ड्राई कर लेते हैं माया लगाने के बाद, लेकिन ड्राई नहीं करने चाहिए क्योंकि उससे जो है माया काफ़ी ज़्यादा निकल जाती है और वो जो अकड़ापन रहता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप ड्राई ना करें, कोशिश करें कि इसको धूप में सुखाएं, हैंगर में हैंग करके और इसको धूप में सुखाएं। ये देखिए, यहाँ पर माया बन चुकी थी। अब हम एक टैब लेंगे और इसमें माया ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने सारी माया ऐड कर दी है। ये देखिए जी, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, हम इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे ताकि जो है हमारे हाथ वगैरह वो जले ना, ठीक है। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया है और टैप बंद कर देंगे। ये देखें, अब हमने सूट लेना है। ये सबसे पहले मैं आपको एक ही सूट माया लगा के दिखाऊंगी, ठीक है। ये हमने ब्लैक कलर का एक सूट लिया, इसको पूरे अच्छे तरह से खोल के फिर इसमें हमने ऐड कर देना और इसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है, ऐसे। तो इसको अपने जोड़ के हम रख लेंगे और आपने इसको सूखने ऐसे डालना कि हैंगर लेके उस पर हैंग करके फिर आपने इसको सूखने डालना, किसी तार पे लटका दें ताकि ये अच्छे से सूख जाए। आप ड्राई नहीं करें, यकीन माने कि इससे सारी माया निकल जाती है, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने सारे सूटों को माया लगा ली है।
अब इसको सुखा के प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने प्रेस किया है, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से आप माया लगा सकते हैं घर में ही, आपको बाजार में लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।